हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। ओके व्यूअर्स, आज मैं आपको इस प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एंड ये जो कंसिस्ट करता है कुल मिलाकर टोटल 45x50 फीट में बना हुआ ये प्लान है, और इसके अंदर रूम डायमेंशंस क्या डुप्लेक्स हाउस है। ओके, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डुप्लेक्स हाउस है, और एक खास चीज़ जैसा इसके अंदर कंसिस्ट करता है टोटल कुल मिलाकर 8 बेडरूम्स। ओके, ग्राउंड फ्लोर में जो है ग्राउंड फ्लोर में 4 बेडरूम है, एंड फर्स्ट फ्लोर में जो है 4 बेडरूम, तो इतने सारे बेडरूम्स हैं। एंड जिसको कंबाइंड फैमिली जॉइंट फैमिली जो रहता है ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल बिल्टअप एरिया जो है ना 38x39 फीट जो है इसका बिल्टअप एरिया है टोटल, और टोटल लैंड साइज इज 45x50 फीट का इसका टोटल लैंड साइज है। एंड इस वीडियो में आपको रिलेटेड टू कॉलम पोजीशन, कॉलम साइजेस, एंड उसके साथ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आज बताना चाहता हूँ। एंड तो आप सभी से फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, ताकि आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, जैसा हाउस कंस्ट्रक्शन। एंड बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे काफ़ी हमारे व्यूअर्स को जो है हेल्पफुल हुआ है इस चैनल से माध्यम से भी, उनके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो गए। और विदाउट इंजीनियर भी क्या है, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस जितना भी मैं वीडियोस अपलोड कराऊँ ना तो उसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड इसमें यह नहीं है कि आप कंपलसरी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करना है, बोलकर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अगर कमर्शियल बिल्डिंग रहा तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है लोड कितना रहा है, तो कॉलम पोजिशन, कॉलम साइजेस कितना रहना चाहिए, तो स्पैन, अगर बीच बीच में आपको पार्किंग एरिया चाहिए तो बीच में कॉलम्स नहीं होना, तो उस वक्त क्या है आप लोगों को कंपलसरी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आप सिविल इंजीनियर कंसल्ट करना चाहिए कंपलसरी, ताकि उनका एक नया नया आइडियाज़ कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड वर्कर्स जो है आपका बात नहीं सुनते हैं, मेन चीज़ है वर्कर के साथ, तो आपको आप जो बोले वो नहीं सुनते हैं। अगर इंजीनियर रहा तो क्या है, उनमें उनके मन में भी एक होप रहता है कि अगर यहाँ इस घर में हम अच्छा काम करें तो नेक्स्ट जो आने वाला घर जो रहता है ना वहाँ पे एक अच्छा एटलीस्ट इंजीनियर के थ्रू उनको काम मिल सकता है। तो उसकी वजह से क्या है, इंजीनियर को कंपलसरी हायर कर लीजिए, एंड इंजीनियर के द्वारा आप प्लान ले लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्लान के बारे में, कॉलम साइज, कॉलम पोजीशन, टोटल एस्टिमेशन कितना खर्चा आ सकता है इसे कंस्ट्रक्ट करने में, वो आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। लेट्स सी, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, दोनों साथ में आपको दिखा दूंगा एक साथ, और चाहे तो आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियरली दिखेगा। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और ब्रीफली जैसे ओवरव्यू में, ये यहाँ से एंट्रेंस है, नॉर्थ फेस से एंट्रेंस रहेगा, नॉर्थ फेस से एंटर होके ये सिट आउट एरिया हॉल, यहाँ पर एक बेडरूम, इधर एक बेडरूम, और जो सिट आउट एरिया एंटर होने से पहले तो आपको क्या है, पार्किंग लेवल से थोड़ा बहुत कुछ ऊपर तो बेसमेंट लिया ही जाता है ना, तो वहाँ पे आप 3 फीट तक जगह छोड़ सकते हैं, और अंदर सिट आउट एरिया, सिट आउट एरिया लेके यहाँ पर हॉल है, फिर यहाँ पर किचन, पूजा रूम और स्टेयरकेस यहाँ पर लिया गया, एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट के द्वारा क्या है, उनका एक रिक्वायरमेंट था कि इसके अंदर एक ही टॉयलेट रूम चाहिए, बिकॉज ये विलेज प्लान है। ज़्यादातर गांव में क्या है, लोग नहीं चाहते हैं कि अगर वो विलेज हो, या कुछ लोगों का मानना रहता है घर में टॉयलेट रूम नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन रखा हूँ मैं, अगर स्टोरेज है यहाँ पर या फिर बेडरूम नंबर 2 को आप कैंसिल कर सके, अटैच टॉयलेट एंड बाथ भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आपको यही प्लान पसंद है तो। और इधर बेडरूम है, ओके, नेक्स्ट सेम इसी तरह ये भी। चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला प्लान पे, लेट्स सी। तो देखिए वर्स, जैसा मैं बताया था, ये आ गए हम, यहाँ से एंटर हो गए, ये आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से एंटर हो गए, ये रोड
इधर गया है, गली छोड़ा गया 7 फीट, तो टोटल इनका लैंड साइज़ है 45x50। उसके अंदर ही जो है 7 फीट जगह छोड़ के, फिर उसके बाद एक गार्डन गार्डन प्रपोज गार्डनिंग या फिर पार्किंग के लिए 11 फीट वाइड छोड़ा गया। यहाँ एंटर हो गया सिट आउट। सिट आउट का साइज़ जो है 9x8x6 इंच। सिट आउट इसलिए है जैसा यहाँ बीच में आप कुछ रख सकते हैं, और अगर आप डोर एक साइड लेना चाह रहे हैं तो एक साइड भी ले सकते हैं, कौन सा है, या फिर इन बिटवीन चाहिए तो इन बिटवीन ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप एक साइड ले लीजिए ताकि यहाँ पे कुछ लोग बैठने के लिए जगह मिल सके आराम से। एंड इसका मेन डोर का साइज़ आ जाएगा 5 फिट, 5 फिट। और यहाँ पर एक चाहे तो विंडो ले सकते हैं, इधर ब्यूटीफुल बहुत मस्त दिखेगा, ताकि सुबह सुबह जो इस साइड से आपके घर के अंदर सनराइज आ सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हॉल एरिया। तो हॉल का साइज़ मिसिंग है, आई थिंक इट अराउंड 12x22x24 फिट कुछ है। एंड फिर हॉल में यहाँ पर एक विंडो ले सकते हैं आप, इधर टीवी रखने के लिए जगह रहेगा मगर। और नेक्स्ट यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है 8095615113, आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पेड प्लान परपोज। ओके, ये बेडरूम नंबर 4 है, 13x12 फिट का बेडरूम नंबर 4। एंड यहाँ पर इधर एक विंडो आ जाएगा। फिर ये बेडरूम नंबर 3, 13x3 इंच x12 फिट का सिंपल प्लान, ब्यूटीफुल है, कम कॉस्ट में, बजट में। ये यहाँ पर बेडरूम नंबर 2 जिसका साइज जो है 9x12 फिट का, 9x12 फिट। आपका बेड पोजीशन इस तरह से रहेगा, हेड यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, पैर जो है आगे चले जाएंगे। चाहे तो आगे सामने जो है आप कबर्ड शेल्व्स बना सकते हैं, छोटे शेल्व्स जैसा, 1 फिट का शेल्व्स विड्थ बता रहा हूँ मैं। और बेडरूम काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है, बड़ा साइज़। तो यहाँ पर बेड जो है इस तरफ आ जाएगा, पैर इधर, आपका हेड जो है इस तरफ। एंड इस वाले बेडरूम में जो है हेड इधर आ जाएगा, पैर इस तरफ ले सकते हैं, वो एक ऑप्शन रहेगा। फिर अब हम बात करते हैं इधर, यहाँ से क्या है, एंटर होते हैं घर के अंदर। तो इस वाले बेडरूम को जाना जाने के लिए आपको ये डाइनिंग एरिया से एंटर करना पड़ता है। ओके, 12x13x3 इंच का इसका साइज। ये है जनरल टॉयलेट एंड बाथ, 4x7 फीट। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यहाँ पर ये गार्डनिंग एरिया है ना, इधर आप ले सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं, और एक ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ, ये बेडरूम नंबर 2 जो है ना, उसको आप बाई टू करके इसको एक अटैच दे सकते हैं, इसको एक अटैच दे सकते हैं, ये एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बस ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। और सेम ये डाइनिंग एरिया का साइज़ 9x9 फीट है विड्थ, उसके अंदर जो है 3x3 किया गया, 3 में स्टेयरकेस रहेंगे यहाँ पर, 3 फीट में स्टेयरकेस यहाँ पे ओपन रहेगा, फिर इधर 3 फीट में स्टेयरकेस। ये पूजा रूम का साइज़ जो है 5x3 फीट, किचन है 9x8x6 इंच। तो ये एंड पीछे जो है 3 फीट का ऑफसेट लिया गया फॉर वेंटिलेशन पर्पज़। और इस ईस्ट साइड में जो है 4x3 इंच का ऑफसेट दिया गया, यहाँ पर वेस्ट साइड में जो है 2 फीट का ऑफसेट है। अगर आपको खाली ग्राउंड फ्लोर में ही कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना एस्टिमेशन, कितना खर्चा आ सकता है? तो देखिए तो खाली ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको 16 लाख, 16.5 लाख तक खर्चा आ जाएगा ओनली ग्राउंड फ्लोर परपोज। बिल्टअप एरिया, तो बिल्टअप एरिया आपका हो जाएगा, आपका बिल्टअप एरिया है 1365 स्क्वायर फीट, 1365 स्क्वायर फीट जो है आपका बिल्टअप एरिया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ड्यूप्लेक्स हाउस यानी कि घर के अंदर सीढ़ी, ये वाला फ्लोर के बारे में। इस फ्लोर में ये ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट एस्टिमेशन मैं बताया हूँ, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दूसरा इस फ्लोर का। ओके, लेट्स डिस्कस। ये आपका एंटर हो गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर एंटर होने से पहले यहाँ पर सेम जनरल टॉयलेट एंड बाथ, और इधर जो है बेडरूम नंबर 5, 12x13x3 इंच का। यहाँ पर आप एक इस तरह से कर सकते हैं, जैसा पीछे जो है बेडरूम नंबर 6 जो है ना, वहाँ पर बालकोनी आ जाएगा, फ्रंट साइड एट दी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो है बालकोनी आ जाएगा। सो बालकोनी का साइज डायमेंशंस है
3 फीट 6 इंच वाइड आ जाएंगे बालकोनी, जैसा सुबह सुबह का वक्त बहुत बेस्ट दिखेगा। एंड इवनिंग के टाइम पे भी, आफ्टरनून या इवनिंग, नॉर्थ साइड जो है ज़्यादा धूप नहीं आ पाएगा अकॉर्डिंग टू, एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो ये बालकोनी 3 फीट 6 इंच वाइड का, और यहाँ पर एक विंडो ले सकते हैं, इधर बेडरूम सेम एज लाइक बिलो। तो इन बिटवीन इसलिए दिया गया, जब आप बाहर से देखेंगे तो बालकोनी के बीचों बीच आपका दरवाज़ा है तो और लुक आ जाएगा स्पेशली। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर डोर ओपनिंग जो है बीच में दिया गया, वही एक मेन इंटेंशन। नहीं तो ये बीच में आपको एक ऑब्स्टैकल के जरा बन जाएगा अंदर से, बट बाहर से जो है वही सूटेबल हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ दोनों में एडजस्ट तो कर लेना ही पड़ता है, राइट। फ्रंट एलिवेशन चाहिए तो आपको बीच में लेना पड़ता है, फ्रंट एलिवेशन का नेसेसरी नहीं है आपको, उतना कुछ हम मायने नहीं रखते फ्रंट एलिवेशन, तो आप एक एंड पर ले सकते हैं, एक ऑप्शनल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये बेडरूम नंबर 7 13 फीट 6 इंच x 12 फीट का, इसमें भी सेम उसी तरह, बट दोनों बालकोनी के बीच में क्या है गैप दिया गया, बिकॉज अगर कंटिन्यू रहा तो वो उतना कुछ खास नहीं दिखेगा, थोड़ा कटिंग एडजस्ट आया तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। फिर नेक्स्ट, ये इधर क्या है, थोड़ा राउंड लिया गया, तो राउंड लिया तो क्या है, फिर सोने पे सुहागा उस तरह का बहुत मस्त दिखेगा ये बालकोनी, यहाँ पर राउंड लिया गया उसके लिए। और इधर क्या है, आप अल्यूमिनियम UPVC विंडोज लगा सकते हैं, UPVC डोर्स, ओके, स्लाइडिंग डोर्स लगा सकते हैं, और एक ब्यूटीनेस के लिए व्यूअर्स एक बहुत ही बेटर, इधर ऐसा झूला जो लगा के या फिर थोड़ा सामने पॉट रख सकते हैं। बट मेन एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये राउंड लिए तो प्रॉब्लम, दिक्कत यही है, स्टेल रेलिंग्स में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ग्लास फिट नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम्स आने का चांसेस रहेगा। फिर यहाँ पर ये जो स्टोर लिखा है ना, ये स्टोर को आप चाहे तो अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ भी कर सकते हैं, दोनों बेडरूम के लिए अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ, इसको आप जनरल रख सकते हैं, एक ऑप्शनल आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला बेडरूम, बेडरूम नंबर 8 9 x 8 फिट 6 इंच, ओके, 9 x 8 फिट 6 इंच है उसका साइज़, तो उस तरह से बनाया गया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा, एंड आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो इसका PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड मेरा मोबाइल नंबर है 8095615113। अगर आपको प्लान चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारा फीस क्या है वो ने आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टोटल एस्टिमेशन बता दूंगा अभी मैं आपको, तो करीब करीब आपको डुप्लेक्स हाउस विद फ्रंट एलिवेशन के साथ चाहिए बोले तो 35 लाख का खर्चा तो नॉर्मली मिनिमम आ जाएगा। थैंक यू। फिर उसके अंदर कंपाउंड वॉल वगैरह जो भी, तो 35 लाख तो आराम से चाहिए इसे बनाने में, बहुत सारे रूम्स हैं।